मध्य प्रदेश में पिछले दो दिन से जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों को ले जाया गया और उसके बाद जो एक्सपोज हुआ है, हम बात कर रहे हैं पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल जी से, क्या किस तरह देख रहे हैं इस घटनाक्रम को? देखिए, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक परम श्रद्धेय कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनके साथ में है। भारतीय जनता पार्टी एक साल से कोशिश करते आई है, हर जगह उनको विफलता मिली। फ्लोर टेस्ट भी उन्होंने करा, वो उसमें भी उनको नाकामी हासिल हुई। और अगर उनको ऐसा लगता है विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करवाएं, तो देखेंगे। इस तरह जो 35 करोड़ से 65 करोड़ तक का जो लालच दिया गया और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, इनको लेकर क्या कहना है? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग की बात तो सबने स्पष्ट रूप से पूरे देश के सामने है। नरोत्तम मिश्रा खुद किस तरह से विधायकों को प्रलोभन दे रहे, और हमारा कांग्रेस का कोई विधायक या अन्य दल का विधायक जो कांग्रेस के साथ में कोई प्रलोभन में नहीं आने वाला है, और इनको हर जगह मुखी खानी पड़ेगी। नरोत्तम मिश्रा के साथ भूपेंद्र सिंह और रामपाल सिंह के नाम भी सामने आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान का भी नाम। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने 15 साल तक भ्रष्टाचार किया है। इन सब की जाँच होने वाली है, उससे जाँच को दूसरी और दिशा दिखाने के चक्कर में ये सब लोग काम ही कर रहे हैं। क्या राज्यसभा के लिए भी माना जा सकता है कवायद को? अब उनके अब दल का काम है, वो जाने कि उसको भेजना है नहीं भेजना। कांग्रेस के तो पूरा कुंभ कमलनाथ जी के नेतृत्व में सभी संगठन होके कांग्रेस तय करेगा किसको क्या करना है। दो सीटें जो कांग्रेस को मिलने वाली थी, उनमें से एक और जो भाजपा की एक से दो हो जाए, ये कवायद? जब पहले हम विधायक थे तब भी वो प्रयास करते रहे कि राज्यसभा में नहीं जाए कांग्रेस के चुन के, पर भी हम लोग जीत के गए और आज भी जीत के जाएंगे दोनों सीटें। सरकार 5 साल चलेगी, खतरा 25 साल चलेगी। क्या बात है। ये सुरेंद्र सिंह बघेल का कहना है कि वो उनकी कवायद हमेशा से ऐसी ही रही है, नरोत्तम मिश्रा हो या शिवराज सिंह चौहान हो या दूसरे जो नेता हैं भाजपा के, लेकिन उन वो कामयाब नहीं होंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 5 साल नहीं 25 साल तक चलेगी। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।